टमी ट्रीट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है दृष्टि अदसानी। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज विद टू डिफरेंट फिलिंग्स, एक मिक्स वेजिटेबल और एक पालक एंड मशरूम। इसके लिए हमें चाहिए हम पहले इसमें 3 गाजर और पत्ता गोभी को घस के रखेंगे, नमक डाल के रख देंगे। 15 मिनट बाद इसका ऐसे पानी निकल आएगा जिसको हम पूरा निचोड़ लेंगे। सबसे पहले हम मोमो का मसाला बनाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल में 1 टीस्पून जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट या ग्रेटेड अदरक लहसुन, थोड़ा सौते करके 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्ची। अब ये पिंकिश कलर हो गया है, अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, लाल मिर्ची और हल्दी, सौते करके एक टीस्पून गरम मसाला और फिर हमने जो ग्रेट किया था गाजर और पत्ता गोभी। पत्ता गोभी और गाजर डालने के बाद हम इसे 2 मिनट सौते करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा क्रंची चाहिए सब्जियां। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर और गैस बंद कर देंगे, मसाला कूल होने का वेट करेंगे। जब तक हमारा मसाला कूल होता है तब तक हम आटा बना देते हैं। ये है 2 कप मैदा, इसमें डालेंगे हम सॉल्ट एज पर टेस्ट और 1 कप पानी। इसे अच्छे से गूंदेंगे। 1/2 कप पानी और गया। ये आटा नहीं ज़्यादा सॉफ्ट होगा नहीं ज़्यादा हार्ड होगा, इट विल बी लाइक अ मीडियम डो। और इसे हम रेस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब आटा गूंद जाएगा पूरा फिर हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके इसे ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट। मोमो को स्टीम करने के लिए हमें एक डबल बॉयलर लेना पड़ेगा। जैसे ये पॉट है इसमें हम ये रख देंगे जिसमें होल्स हों, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल स्प्रेड करेंगे और फिर मोमोज को रखेंगे एंड देन कवर द लिड, जैसे कि हमें दिखे जब ये स्टीम हो जाए। अब क्योंकि इसकी चटनी में हमें थोड़े से बॉयल्ड टमेटोज डालने हैं तो जब तक हम मोमो बनाते हैं रेडी करेंगे तब तक हम इसके पानी में, जो हमने पानी नीचे लिया हुआ है, थोड़े से टमेटोज डाल देंगे कि वो थोड़े से ब्लांच हो जाए। वंस वो ब्लांच हो जाएंगे देन आई विल शो यू हाउ विल मेक द चटनी। जो आटा हमने गूंदा था हम उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और फिर इसे इस तरह से बेल के फिलिंग भर लेंगे 1 टेबलस्पून तक अप्रॉक्सीमेटली और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर हम ऐसे पूरा जमा देंगे और इसे स्टीम कर लेंगे। एक और दिखा देते हैं आपको। कॉर्नर्स बेसिकली इसके सारे दबा देंगे हम। रेडी कैसे हैं हम देखेंगे। जैसे आपको ये शाइन दिख रहा है ना, इसमें हल्का सा ग्लेज आ गया है, मतलब ये मोमोज आर रेडी टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टीमर। तो स्लोली यू कैन पिक देम 1 by 1 एंड किसी भी हॉट पॉट में या किसी भी आप डिश में उतार सकते हैं। नाउ आई विल शो यू हाउ टू सौते इट इन 2 डिफरेंट स्टाइल्स। हम सेकेंड फिलिंग बनाएंगे जिसमें हमने फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है, चिलीज 2 टेबलस्पून्स,
फिर हम ऐड करेंगे ब्लांच्ड पालक अराउंड 2 टेबलस्पून, और फिर चॉप किए हुए मशरूम्स, ये 1 पैकेट मशरूम्स डाले मैंने, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट, और थोड़ा सा कम क्योंकि हम इसमें चीज भी ऐड करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा इट विल कूल ऑफ तब थोड़ा सा मोजरेला चीज ऐड करेंगे हम, तब तक सौते करेंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता है, पानी सूख जाएगा फिर हम इसे भी कूल करने का वेट करेंगे, और कूल होने के बाद मोमोज की फिलिंग बनाएंगे। सेकेंड फिलिंग जो मशरूम की हमने बनाई थी उसमें हमने जो मशरूम सौते किए थे पालक के साथ उसमें हमने ऐड किया है मोजरेला चीज, और देखिए फिलिंग ऐसी होनी चाहिए, टोटली ड्राई, देयर शुड बी नो वाटर इन इट। अब हम इसको भरना दिखाएंगे, सेम प्रोसीजर, बेल के फिलिंग भर के, द मेन ट्रिक इज कि आप इसको दबाइए फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड देन कम टू द एंड ऑफ द अदर कॉर्नर। एक और दिखा देते हैं आपको, दबाते हुए कोने से फिर दूसरे कॉर्नर तक आके टिप इसकी क्लोज करके रख देंगे। आइए हम इसकी चटनी बनाते हैं, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून रॉ पीनट्स सौते करके, 2 रेड चिलीज सोक्ड, सॉल्ट टू टेस्ट, एंड वील ऐड 1 टेबलस्पून तिल, और ब्लांच टमेटोज, यहाँ मैंने 5 टमेटोज लिए हैं, बट वील ऐड देम हाफ एंड हाफ, तो पूरा जैसे चर्न हो जाए अच्छे से, बिकम्स अ नाइस चटनी। अभी हम इसको सौते करेंगे, जैसे मैं कहा था वो 2 स्टाइल में दिखाऊंगी। स्टाइल नंबर 1 इज फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल एंड देन फाइनली चॉप स्प्रिंग अनियंस 2 टेबलस्पून्स, एंड देन आर रेडी मोमोज, जो वेजिटेबल वाले थे वो हम इसमें सौते कर लेंगे। मशरूम वालों को इसमें सौते करने से मज़ा नहीं आएगा, जो गाजर पत्ता गोभी वाले हैं अगर उसे सौते करेंगे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा उसका। ऐसे से अच्छे से मिक्स करके ऑन हाई फ्लेम इटसेल्फ हम थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे, देखिए ये ऐसे हो जाएंगे, वन साइड थोड़े से क्रिस्पी, वन साइड थोड़े से सॉफ्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बना सकते हैं, इफ यू वांटेड मोर क्रिस्पी यू कैन लीव इट फॉर लॉन्गर टाइम, अदरवाइज आई लाइक इट दिस वे सो आई विल रिमूव इट ऑफ नाउ। सौते स्टाइल नंबर 2 में हम तंदूरी मोमोज बनाएंगे, जिसके लिए मैंने दही में तंदूरी मसाला, जिंजर गार्लिक ग्रेट करके, नमक और थोड़ा मिर्ची डाल के थोड़े रख दिया था। अब हम वापस फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, और ये मिक्सचर का अराउंड 3 टेबलस्पून ले लेंगे, थोड़ा सा ये सौते हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, फिर हम इसमें मोमोज ऐड करेंगे। इसमें भी वेजिटेबल मोमोज ही अच्छे लगेंगे, नॉट द मशरूम एंड पालक वन, वो वैसे प्लेन खाने में ही टेस्टी लगेंगे। देखिए इसे थिक हो गया है, फिर हम इसमें मोमोज ऐड कर लेंगे, और अगेन सौते करके इसको 5-10 मिनट्स ढक्कन लगा के रख देंगे। जब तक सारा फ्लेवर इसमें आ नहीं जाता है हम इसे थोड़ी देर सौते करके ढक के रख देंगे। तंदूरी मोमो ऐसे देखेंगे वंस दे आर डन, हल्का सा चार्ड लुक आएगा इसका सौते किया हुआ, एंड लिटिल क्रिस्पी एज वेल। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कौन सा वाला वेरिएशन आपको सबसे बेस्ट लगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू टमी ट्रीट। थैंक यू।